आज हम डीलिंक का एक डुअल बैंड रूटर कम पावर बैंक का डिसअसेंबली करेंगे। इसका पीछे का जो प्लेट है ये लॉक से लगा हुआ है, तो ये क्लॉक को हटाएंगे तो बैक प्लेट के नीचे आप इसका भीतर का हिस्सा देख सकते हैं। ये इसका 4000 मिली एम्पेयर आवर का बैटरी है। ये रूटर को बैटरी बैकअप देता है, प्लस पावर बैंक की तरह भी काम करता है। ये सारे कनेक्टिविटी पोर्ट सबको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। भीतर का व्यू एक बार ले लीजिए। ये जो है ये एंटेना प्लेट है, एंटेना केबल वहाँ पे आके शोल्डर हुआ है। इस बैटरी को पहले हम हटा लेते हैं ये स्क्रू को अनस्क्रू करके। उससे पहले इस बैटरी कनेक्टर को हम डिसकनेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद जो है ये स्क्रू को अनस्क्रू करके हम बैटरी को इसके भीतर से निकल लेंगे। ये बैटरी एडिसिव से लगा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा ताकि ये बैटरी बाहर आ जाए। ये बैटरी इसका जो नीचे का ब्लैक प्लेट है उसके साथ बाहर आ रहा है, तो शायद लगता है कि ब्लैक प्लेट के ऊपर से हम बैटरी को अलग कर सकते हैं। अब एक बार देख लेते हैं ब्लैक प्लेट बैटरी के साथ ऊपर आएगा या बैटरी अलग से ऊपर आएगा, ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। लगता है बैटरी ब्लैक प्लेट के ऊपर एडिसिव से लगाया हुआ है, तो हम थोड़ा सा जोर लगाएंगे। आप देख सकते हैं नीचे एडिसिव लगा है, देखिए देखिए छोड़ दिया तो बैटरी बाहर आ गया। नीचे ब्लैक प्लेट के ऊपर ये बैटरी एडिसिव से लगाया हुआ था। अभी ये जो है ये एंटेना प्लेट है और एंटेना केबल है, ये ग्रीन वाला छोटा सब जो देख रहे हैं, हम इसे धीरे से हटा लेंगे। ये एपॉक्सी से बनाया हुआ है, ये एक एपॉक्सी बोर्ड है पतला सा। ये एंटेना प्लेट है 2.4 गीगाहर्ट्ज के लिए, 2.4 गीगाहर्ट्ज वाईफाई फ्रीक्वेंसी के लिए ये एंटेना बोर्ड यहाँ पे लगाया हुआ है। देखिए एंटेना की जो वायर है इसमें शोल्डर किया हुआ है। तो अभी हम जो ये ब्लैक प्लेट है इसे हटाएंगे, तो जो इसका पीसीबी है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है जिसमें पूरा सर्किटरी बनाया हुआ है इस रूटर का, वो हमको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए अंदर का हिस्सा, ये पीसीबी है ग्रीन पूरा। इस तरफ देखिएगा तो ये स्लाइडिंग स्विच है ऑन ऑफ और चार्जिंग का। ये देखिए ये पीसीबी बाहर निकल आया। आप देख सकते हैं इसमें पूरा एसएमडी लगा है, मतलब सरफेस माउंटेड डिवाइस माइक्रो डिवाइसेस इसके ऊपर लगाया हुआ है। पूरा एसएमडी से खचाखच भरा हुआ ये बोर्ड है। ये जो ऊपर की तरफ आप देखते हैं ये सब सारे कुछ एसएमडीज है। देखिए सारा एसएमडीज इसमें लगा है, सारे आईसीज, सारे एलईडीज, सारे कैपेसिटर्स, कॉयल्स, डायोड्स, रेजिस्टर्स। ये जो एम गियर का व्हाइट सा दिखाई दे रहा है ये 2.4 गीगाहर्ट्ज का और एक एंटेना है, और ये जो ग्रीन वाला छोटा सा ये 5 गीगाहर्ट्ज का एक एंटेना है, क्योंकि ये 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज दोनों बैंड ऑपरेट करते हैं, इसलिए इसमें ऐसे दो 2.4 गीगाहर्ट्ज का और एक 5 गीगाहर्ट्ज का एंटेना दिया गया है। ये यूएसबी पोर्ट है शेयर पोर्ट के लिए, और ये जो मीडियाटेक का एक स्क्वायर सा आईसी देख रहे हैं, चिप देख रहा है, ये सिग्नल प्रोसेसर है, ये वाईफाई सिग्नल प्रोसेसर है। अब बोर्ड के दूसरी तरफ भी देखेंगे, इस तरफ भी कुछ कंपोनेंट्स आपको दिखाई देगा, सभी एसएमडीज है। ये पूरा बोर्ड का एक बार व्यू ले लीजिए, देखिए। अभी हम बैटरी को एक बार कनेक्ट करके देखेंगे कि ये कैसा होता है, कैसे दिखता है ये बोर्ड। अभी ये देख सकते हैं आप, ये जो दो एलईडीज है ये जल रहा है, ये ऐसे दिखता है। एलईडीज के बारे में, एलईडीज के बिहेवियर के बारे में दूसरे वीडियो मेरे चैनल में किया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं सर्च करके। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए लेट्स टॉक विद चंदन। नमस्कार।